अशोक जी एक बात बताइए, आज देश को 71 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और पहले जो अत्याचार आदिवासियों पे हुआ करते थे, फिर वो उसके बाद SC ST पे हुआ करते, आज वही अत्याचार बालमियों के ऊपर हो रहे हैं, क्या है वो विषय? देखिए, जो अभी लेटेस्ट घटना अभी हुई है शाहपुर जट में, दिल्ली के जो दिल्ली का एक पोश इलाका है, हौज खास जो सबसे पोश इलाका दिल्ली का माना जाता है, साउथ दिल्ली का, उसमें वाल्मीकि समाज के परिवार के ऊपर एक ज़बरदस्त भयावह आक्रमण हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। मैं आज गया था वहाँ पर, उनके परिवार से मिल के आया, लोगों से मिल के आया, तो वहाँ पर जो वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के जो बहुमत है, वहाँ पर जो जाट समुदाय बहुमत तादाद में रहता है, ताकतवर, आर्थिक रूप से हर तरीके संपन्न है, हर तरीके से मजबूत है, और वो लोग भी वाल्मीकि परिवार का जो जिससे झगड़ा हुआ है, जिसको पीटा इन्होंने, जो पीड़ित है, वो भी वहीं उसी गांव का सदियों से वहां पर रह रहे हैं, उनके दादे परदादे उसी गांव के हैं वो परिवार के, और ऐसा नहीं, वेल नोन है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जो आक्रमण हुआ है, जो हमला हुआ है, तो उसको वो सारे लोग, सारे जाट समुदाय सपोर्ट कर रहा है, जबकि हो सकता है कि एक दो आपस में झगड़े हो सकते हैं, मगर उनकी आज ये जिम्मेदारी थी, जो जाट समुदाय वहाँ पूरा का पूरा, जो वहाँ पता चला कि 1100 घर हैं उनके, वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने झगड़ा किया है आपस में, जो उसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ केस करवा के, और जो विक्टिम परिवार है उसकी मदद करते, तब समझ आता कि ये देश बदल रहा है या ये समाज बदल रहा है, कि यहाँ जाति का बात नहीं हो रही है, यहाँ समुदाय की बात नहीं हो रही है, वर्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कानून की बात हो रही है, जब और यहाँ पर एक भारतीयता की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, कि ये समाज भले किसी जाति का है लेकिन ये भी हमारे साथ का है, ये भी हमारे सालों वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं, तो इनकी मदद करनी चाहिए थी। मैं वहाँ खुद गया, एक महिला हमारे पीछे पड़ गई, वो जाट महिला हमें उल्टा धमकाने लगी कि आप भड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और ये मेरे घर पे किराए पे रहते हैं, इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप इंसाफ की बात करने से गए, पुलिस है, प्रशासन है, वो उसको आगे बढ़ाएंगे, और पुलिस, जो पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो झगड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और विक्टिम परिवार को पहुँचा करके सहायता, और FIR प्रॉपर सही तरीके से FIR दर्ज करें, वो हुई नहीं जब तक कि वहाँ पर प्रेशर नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ, वहाँ पर FIR नहीं लिखी गई, वो पुलिस प्रशासन खुद दूसरे लोगों की मदद कर रहा है जो ताकतवर समाज है। तो इस वजह से जब पुलिस इस तरह की हरकत करेगी तो अब न्याय के लिए आदमी कहाँ जाएगा? और दूसरा, ये खाली वाल्मीकि समाज के ऊपर तो पिछले 6 महीनों के अंदर पूरे देश में, चाहे वो शिवपुरी हो मध्य प्रदेश का, चाहे बुलंदशहर का खुर्जा इलाका हो, चाहे वो आपका राजस्थान का इलाका हो, भीलवाड़ा इलाका हो, और चाहे पंजाब के इलाके हो, आप दिल्ली जैसे राजधानी में जब आक्रमण हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि कोई राजनीतिक पार्टी कोई नहीं बोल रही है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भले ही नहीं है पावर आपके, दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, मगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी जो आज सत्ता में है, कम से कम आप स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, उसका कंडेम तो कर सकते हैं, और कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके वहाँ पर कम से कम उसका बीच बिचाव करके वहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था तो कर सकते हैं, FIR तो दर्ज करवाने के लिए आप धरना प्रदर्शन अपने लोगों से कह के कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कोई स्टेटमेंट नहीं है, BJP का कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिग्नेचर ब्रिज के लिए तो जा रहे हैं वो मनोज तिवारी जी बड़े चौड़े होकर के कि जी हाँ जी हम जा रहे हैं, अब ये आपके इलाके में घटना हुई है, अब आप कहाँ मर गए, आप क्यों नहीं वहाँ स्टेटमेंट दे रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि वो बहुमत ताकतवर जो वर्ग है, जाट समुदाय, उनका वोट तुम्हारे से ना छिन जाए, और जो पिटा है वो गरीब वाल्मीकि समाज है, गरीब समाज है, जाति से छोटा आप उसको समझते हो, इसलिए आप उसकी बात नहीं करोगे। कांग्रेस के एक नेता का बयान नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का बयान नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? कैसे इस देश की व्यवस्था बदलेगी? कैसे इस देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय मिलेगा? और दूसरी तरफ कुछ लोग बकवास करते हैं कि SC ST Act खत्म कर दो। अभी ये दिल्ली जैसे शहर में जब ये घटनाएं हो रही हैं, तो अब जो गांव देहातों के इलाकों में उनके ऊपर क्या हाल होता होगा, और उस परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको केस को खत्म किया जाए, उसमें समझौता किया जाए, और मैं बोल के आया भैया जब FIR दर्ज हो गई है तो किसी हालत में उसका समझौते का आपका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही विकट एक परिस्थिति है देश के लिए कि आज जब दुनिया चांद पे पहुंच रही है, मंगल पे पहुंच रही है, दुनिया इतना आधुनिक हो गई, और हम जाति व्यवस्था में फैले हुए लोग आज भी इस देश का प्रशासन, इस देश की राजनेता, इस देश की सरकारी मशीनरी जाति भेद के उसमें आकर के काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, और इसके विरुद्ध हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस इसीलिए पैदा हुआ है कि ये जातिगत लोग जब तक इस देश में हैं, इस देश की जातिता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और जो सबसे निम्न श्रेणी पर आदमी है उसको इस सत्ता की चोटी पर पहुँचाना, उसके हाथ में सत्ता देनी है, तभी न्याय होगा। क्योंकि जो विक्टिम है, जब वो
सत्ता में आएगा वो तभी न्याय कर पाएगा, नहीं तो ये जो जाति व्यवस्था के लोग बैठे हैं पार्टियों में वही मनुवादी बैठे हैं कब्जा करके ऊंची पोस्टों पर, और सरकार में भी उन्हीं का कब्जा है, प्रशासन में भी उन्हीं का कब्जा है, मीडिया पे उनका कब्जा है, हर जगह उनका कब्जा है। तो इस तरह से न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि इस देश में जातिगत दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उस भूसा को निकालना है। तो हमारा नारा है कि बहुजनों बढ़ो सत्ता की ओर, और 2019 दिल्ली मिशन दिल्ली फतेह करके आप मंत्री प्रधानमंत्री बनो और इस देश की सत्ता पे काबिज हो, और अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करके बताओ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया, उसके बावजूद जब संविधान बनाया तो महिलाओं के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय, हर एक जाति के लिए न्याय, हर वर्ग के लिए न्याय, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जातिगत संविधान है। उन्होंने सबके लिए बराबरी लिखा और सबको सम्मान दिया, सबके अधिकार की बात की। इसी तरह से अब दूसरे बाबा साहब पैदा करने हैं आज के डेट में 71 साल बाद, और जो आज एक नहीं सैकड़ों बाबा साहब पैदा होंगे और सत्ता पे कब्जा करेंगे और अपने लिए भी काम करेंगे और इस देश के एक एक भारतीय के लिए काम करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं।